बिसम दोस्तों असल आज हम एक नई वीडियो के साथ बात करेंगे बड़ी इम्पोटेंट वीडियो है वर्क परमिट के बारे में कंपनीज़ कंप्लेन कर रही हैं अपनी गवर्नमेंट को वो क्या कंप्लेन है इस डिटेल्स बताने से पहले एज़ यूजल आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज नायल कन्सल्टेंट को पहले आप सर्च करें गूगल में नायल कन्सल्टेंट हमारी वेबसाइट भी है फेसबुक पेज भी है फॉलो करें पेज को ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो अगेन रिक्वेस्ट करूंगा आपको स्टोरीज़ पढ़ा करें स्टोरीज़ में बड़ी इंफॉर्मेशन मैं डिन ब दिन उसको ऐड करता हूं उसके बाद वीडियो बनाता हूं पहले मैं उसको ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी में देता हूं फिर मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ चलते हैं टॉपिक की तरफ दोस्तों आपको पता होगा इस टाइम कैनेडा को वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क को सबसे ज़्यादा जो वर्कर की जरूरत है वो नंबर वन कैनेडा है क्यों ज़रूरत है ये तो कोविड की वजह से अल्लाह माफी दे कोविड आया जिसकी वजह से कैनेडा ने अपने रिक्वायरमेंट्स हैंड्सअप हो गए कभी इंसान कभी सोचा आपने कि एफ ए पास को कैनेडा पी आर देगा फैमिली वर्क परमिट भी देगा और पी आर भी देगा एफ ए पास वाले को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि आप ये मत समझें कि आपने एफ ए में कितना मार्क लिए वो कहते हैं इंटरमीडिएट पास अब इससे नहीं गरज कि आपने फोर्टी नाइन परसेंट लिए थर्टी वन परसेंट लिए सिक्सटी फाइव परसेंट इससे गरज़ नहीं है आप एफ ए पास डिग्री हो चाहिए एफ ए के आपके पास कभी सोचा आपने नहीं सोचा ये कोविड की वजह से हुआ कभी सोचा आपने कि कनेडा लीमिया खत्म कर देगा मैं मैं अपनी बात करूं मैंने कोविड से पहले नहीं सोचा कनेडा लीमिया खत्म करेगा कैनेडा ने ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ऑकोपेशन पर लीमिया ख़त्म कर दिया जो कि लेना में से था कभी सोचा आपने कनेडा फीसिस कम कर देगा अपनी वर्क परमिट वगैरह की डिफरेंट बाकी कैटेगरीज की ये कोविड की वजह से हुआ बट मेरी आप लोगों से सजेशन ये है कोविड दिन ब दिन अब बतरी रीज अब जो है वो लाइन पर आ रहा है हालात जिंदगी ज़िंदगी के मामलों जिंदगी अब सेट हो रहे हैं मेरी इन्फॉमेसन के मुताबिक कैनेडा जैसी कोविड के हालात सही होंगे दोबारा कैनेडा अपने पुरानी जो रवायत थी उसकी सख्तियों की वो करेगा तो कोविड की वजह से एक बेनिफिट है जितने ज़्यादा आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं करें आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक ये है कि अटलांटिक जो प्रोवेंसेज हैं उन्होंने एक कंप्लें किए कि हमारे पास वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं एप्लीकेशन बहुत कम हैं और मैं आपको इसके प्रूफ दिखाता हूँ उन्होंने किसको कम्प्लें की स्टडी रिपोर्ट बनाई गई है कि अटलांटिक कैनेडा एम्प्लॉयज़ नीड्स मोर एप्लीकेंट्स दूसरी बात ये ये अटलांटिक क्या है ये कौन से सूबे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं न्यू प्रॉन्सविक प्रिंस आइवर्ड आइसलैंड लेब्राडोर और, और नोवस्ट कोशिया के बारे में बात कर रहे हैं इसमें जॉब्स ज़्यादा क्यों हैं इसमें जॉब्स इस ज़्यादा इसलिए इस ज़्यादा है कि ये सु, इन सूबों को उठाया जा रहा है कहीं भी पाकिस्तान में या दुनिया में जब किसी चीज़ को उठाया जाता है परमोट किया जाता है तो वहाँ पर फैसलिटीज़ दी जाती हैं कि जो इंसान यहाँ पर ये काम करेगा हम उसको भी देंगे ये पहले चार सूबे हैं जिन्होंने बोला है कि हम वर्क परमिट देंगे प्लस पी देंगे आपको प्लस अकोमोडेशन भी गवर्नमेंट ने बोला एकोमोडेशन भी कंपनी की जिम्मे कैंड के और शूबे में जो तो अकोमोडेशन है वो कंफर्म नहीं मिलती है। आपको कंपनी की मर्जी होती बट यहाँ पे रूल बना दिया गया है कि डेजिग्नेटेड कंपनीज हायर की गई हैं कि जो लोग हमारे वर्क परमिट लेगा उसको वो डेजिग्नेटेड कंपनी आपको अकोमोडेशन देगी आपको अप्रूवल देगी आपको उसके बाद पी आपको पाकिस्तान में इंडिया नेपाल अफगानिस्तान में बैठ के आपको पी मिलेगी अब ये कंप्लेन क्यों की गई है मैंने इस पर रिसर्च की एक मैंने रिसर्च किया कि क्यों इन्होंने क्यों कहा कि अप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बहुत कम है जॉब बहुत ज़्यादा है मैं बताता हूँ आपको सब फेसबुक यूज़ करते हैं आप लोग सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं ट्विटर वगैरह लिंकडिन सब यूज़ करते हैं मैं फेसबुक की बात करता हूँ इंस्टाग्राम की बात करता हूँ आप फेसबुक को डाउन कर रहे हैं एक पेज आ गया कोको कोला जॉब्स इन कैनेडा या जी वो फूड पैकिंग उर्दू में लिखा होता है फूड पैकिंग जॉब्स इन कैनेडा आप क्लिक करते हैं अप्लाई करते हैं उसके ऊपर वहां पे को उसने फ्री लिखा होता है कि वो फ्री है जी नॉर्मल फीस लेगी वहां पे 200 सौ अप्लीकेशन पर डे जारी होती हैं आप फेसबुक यूज कर रहे होते हैं मैं नंबर टू की बात ए हो गया नंबर ए, ए बी सी की बात बात करेंगे बी की ए के बारे में बात होगी बी के बारे में बात करेंगे बी में होता है जी एक ऐड चल रहा होता है वो ऐड तो इंग्लिश में होता है उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं उसके एक प्रोसेस लिखा होता है आप कहते हैं यार इतना लंबा प्रोसेस कौन पड़ेगा इसको आप स्किप कर देते हैं वो जैन ऐड होता है वो बता रहा होता है कि ये ये जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है मैं ये इस तरह अप्लाई किया जाता है आप उससे भाग जाते हैं वहां पे मैक्सिमम तीन से चार अप्लीकेशन आती हैं पहले जहां कोको कोला को लिखा वहां आपने भिजवा दिया दो सौ अप्लीकेशन को फ्री लिखा वो फेक होता है बेसिकली वो आपको तीन दिन बाद आपको जॉब लेटर दे देता है दे दे फिर आप समीर के पास आते हैं या व्हाट्सएप करते हैं समीर भाई चेक करवा दो फेक होता सारा जो बी होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है हर चीजों को कि जी आपने इस तरह करना है इस तरह करना है इस तरह करना है आप कॉल करते हैं वो फीस मांगता है आप उस फीस से और उस एक्सप्लेसन से भाग जाते हैं ये एडवांस मांग रहे हैं ये फेक है एप्लीकेशन वहाँ पर कम जाती हैं सी जो होता है वो बड़ा अथेंटिक सिस्टम उसका होता है वो एक आ, एक खुद अप्लाई कर रहे होता है ये फ्री वेबसाइट है मैंने खुद वेबसाइट वेबसाइट पर फ्री बताइए अप्लाई कर रहे बट वो इमिग्रेशन वो अटलांटिक प्रोवेंस में नहीं होता वो और जगह अप्लाई कर रहा होता बट आप उसको अटलांटिक समझ रहे होते हैं इसके रीज़न की वजह से एप्लीकेशन इस टाइम कम जा रही हैं ये प्रोग्राम तीन सारा प्रोग्राम था अब इसके कितने मंथ्स रह गए फोर मंथ्स रह गए ये तो दिसंबर थर्टी फर्स्ट दिसंबर के प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जिनके पास इंटरमीडिएट है जो एज ट्वेंटी वन से फोर्टी फाइव है वन ईयर का स्किल्ड एक्सपीरियंस है हॉनर होना चाहिए आपके पास किसी भी चीज़ honor, का हनर मिनिमम वन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास अच्छा आइड्स अगर कर सकते हैं तो फोर्थ बैंड मिलेगा और अगर आइड्स करेंगे तो पी मिलेगी आपको तो इनिशियली हम बात करते हैं वर्क मेमर के ऊपर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस वन ईयर एज ट्वेंटी वन से फोर्टी फाइव आप इन चारों शूबों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी ए आई पी पी के नाम से वो वीडियो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वीडियो पूरी देखनी कैसे अप्लाई करनी है मैंने एक एक सूबा के बारे में लिस्ट मैंने पोस्ट की थी ये कंपनीज हैं इन कंपनी में जॉब अप्लाई करनी है और इन कंपनी से अगर जॉब ऑफर आपको आ जाती है तो आप पी के साथ पूरी फैमिली का आप पी प्लस वर्क वमन ले सकते हैं फैमिली के अंदर आपकी वाइफ आपके हस्बैंड आपके बच्चे आते हैं पेरेंट्स नहीं आते तो ये मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं जहां पर ये कंप्लेन की गई है फिर इसके बारे में हम डिटेल में दोबारा डिस्कस करेंगे असल में इशू क्या है आप देख सकते हैं इस टाइम अटलांटिक कैनेडा इम्प्लॉयर्स नीड्स मोर एप्लीकेशन मैंने कहा कि वो उनको ज्यादा एप्लीकेशन चाहिए इतनी ज़्यादा वो कर सके स्टडी फाइंड ये रिसर्च की गई है इम्प्लॉयर हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स बट फेस डिफिकल्टीज हायरिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट्स कम है जॉब्स बहुत ज़्यादा है मैंने जो जॉब की लिस्ट है वो मैंने आपने उस पर वेबसाइट पर लगाई थी कि कंप्लीट कंपनीज के नाम हर चीज मैंने इसमें दी थी मैनी इंप्लायर्स अक्रॉस अटलांटिक कैनेडा फाइंड डिफिकल्ट टू हायर बिकॉज दे आर नॉट इनफ एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट्स विद नेसेसरी एक्सपीरियंस ऑफ स्किल्स हाँ ये कहा जा रहा है यहाँ पर काफ़ी ज्यादा जो कंपनीज़ हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को हायर करने में वर्कर हायर करने में क्योंकि ना तो उनके पास प्रॉपर स्किल होता है एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर मैं वीडियो के बाद मैं बताऊँगा कि अपने सीवी के जो इसमें एक इश्यू सी वी का भी है मैं वीडियो के बाद इसमें वीडियो के एंड में इसमें डिटेल से बात करूँगा

ये कौन से चार सूबों की बात कर रहा हूं मैं अटलांटिक रेफर टू द फोर इन इन कैनडा न्यू ब्रिंसविक न्यू फाउंडलैंड एंड लेबरिया एंड प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड ये चार सूबे हैं जहां पे सबसे ज्यादा इनको लोग चाहिए इस टाइम मेरी रिक्वेस्ट एंड ये इसका मोटा मोटा जो उसका डिटेल्स मैंने बता दिया आप लोगों को अब हो कह रहे हैं आप लोग तो आप जाके एक एक प्रिवेंस ओपन करें मेरी इंशाल्लाह इस पर एक एक वीडियो भी आ रही है एक एक प्रिवेंस ओपन करें और उस पर जाए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए वहां कंपनी अच्छा एक चीज बता दो डिजिग्नेटेड कंपनी अगर आपके पास उस जो लिस्ट निकलेगी आपको पास अगर उन लिस्ट में से कंपनी को जॉब अप्लाई करते हैं और उसमें से जॉब ऑफर आती है तो एक्सेप्टेबल है अगर इस इस प्रोवेंस में आप किसी आउट ऑफ द वे जॉब अप्लाई करते हैं वहां से कोई जॉब ऑफर आती है वो एक्सेप्टेबल नहीं है मैं एग्जांपल देता हूँ आपको नाइल है कनेडियन गवर्नमेंट में बोल रहा है कि जी नायल को अलाव है वो पाकि वो इंडिया से ये कैनेडा से पाकिस्तानी हायर कर सकते हैं तो अगर नायल आपको जॉब ऑफर देगा वो एक्सेप्टेबल है अगर आप जाके लेंगे एक्स वाई जेड से और वो उसका नाम उस लिस्ट में मौजूद नहीं है आपका टाइम भी वेस्ट किया आपने और वो मेरे पैसे भी मांग लिया आपसे वो फेक होगा एक का सीवी बनाए प्रॉपर प्रोफेशनल सी वी बनाएँ मैं बारहाँ पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ दो पेजेस का प्रोफेशनल सीवी बनाएं फोकस करें अपने स्किल्स के ऊपर आपके पास हुनर क्या है हुनर में क्या आता कारपेंटर एक हुनर है प्लम्बर एक हुनर है इंजीनियर नर्सेज टीचर आ, आई टी फील्ड में उसमें सर्वेयर्स कंप्यूटर ऑपरेटर स्टोर कीपर ये सब हिल, स्किल्स हैं अगर स्किल नहीं है तो कुछ चीज़ सीख लें सीख के लेटर बना के आप अटैच करें साथ उसके ऊपर एक चीज़ लेटर आप सीवी वी के अंदर स्टोरी मत लिखें टू द पॉइंट बात करें आप कौन हैं क्या करते हैं क्यों हायर किया जाए आप कौन स्किल आपके पास ऐसा है ये चारों चीज़ें दें इसके ऊपर मुझे उम्मीद है आपको एम्प्लॉयर हायर करेगा आपने की ऑफिशियल वे, वेबसाइट की न्यू फाउंडलैंड के वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आप चेक करेंगे मैं उस पर डिटेल्ड एक एक वीडियो बना रहा हूँ मेरी आपने जो वीडियो देखनी है ए आई पी 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 सॉरी ए आई पी पी आपने वीडियो लाजमी देखनी है इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर बताया कि लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे अप्लाई करते हैं चार महीने हैं जितने ज़्यादा अप्लीकेशन्स आप डाल सकते हैं डालें मुझे उम्मीद है आपको वर्क परमिट आएगा नायल की बात करते हैं नायल ने अपलिकेशन लिए पाक के फ़लोक्रम से हमारे काफ़ी हद तक अपन अप्रूव हुए हैं कुछ लोग अप्लाई भी हुए हैं और अभी रिज़ल्ट आना बाकी है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए जितने लोग अप्लाई करें अल्लाह पा सब कामयाब करें और आ, ये वीडियो अगर अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़